आप देख रहे हैं दखल न्यूज। निर्भया के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी, चारों दरिंदों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे दी जाएगी फांसी। जेएनयू हिंसा के बाद स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष आयशा घोष के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज। कमलनाथ राज में गायों पर ग्रहण, रीवा के कांजी हाउस में भूख से 72 गाय बैलों की मौत। सिंधिया समर्थक मंत्रियों की जुबान पर आया ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार का दर्द, कहा कहीं हमसे हुई है चूक। और सीए के समर्थन में लोग, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जन नेता। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। अदालत ने निर्भया के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया है। अब इन चारों दरिंदों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी दे दी जाएगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। इस तरह 7 साल 37 दिन बाद निर्भया को इंसाफ मिला है। फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए निर्भया की मां आशा देवी ने कहा यह देश की सभी बेटियों के लिए इंसाफ है। उन्होंने कोर्ट का धन्यवाद भी दिया। वहीं दोषियों के वकील एपी सिंह का कहना है कि वे क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे। निर्भया की मां के वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि आज हमारी आंखें नम है, ज्यादा खुशी होती यदि निर्भया भी हमारे बीच होती। अदालत से डेथ वारंट जारी होने के बाद निर्भया कांड के दोषियों के पास अब महज 14 दिन का समय है। इस दौरान वे क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर दे, लेकिन अब वे और ज्यादा समय नहीं ले सकेंगे। उन्हें जो कुछ करना है इन 14 दिन में करना है। निर्भया के वकील के मुताबिक दोषियों के पास अब दया याचिका दायर करने का विकल्प खत्म हो चुका है, क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने पिछले दिनों पूछा था तो इन्होंने इनकार कर दिया था। यदि दया याचिका दाखिल होती है तो राष्ट्रपति को 22 जनवरी से पहले इस पर फैसला करना होगा, और यदि राष्ट्रपति के पास से विलंब होता है तो 22 जनवरी की तारीख टल सकती है। निर्भया के पिता बद्रीनाथ सिंह ने कहा कि हमने इंसाफ के लिए बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन खुशी है कि आखिरकार फैसला आ गया। हमें यह भी एहसास हुआ कि हमारे कानून में कैसी कैसी कमियां हैं। अगर उसमें रिलीफ नहीं तो उसके बाद सिंह साहब 14 दिन का जो टाइम पीरियड है इसमें क्या क्या आपके पास ऑप्शन अवेल कर सकते हैं? अगर नहीं अवेल कर पाते तो क्या हमारे पास है जो डॉक्यूमेंट हमें मिलेंगे, जो डॉक्यूमेंट मिलते ही हम उसको फाइल करेंगे। उसके बाद आगे भी मैं जजमेंट से आगे और देश में ऐसी तरीके की घटनाएं होती बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देश के महिलाओं का कानून पर विश्वास जगेगा, आस्था जुड़ेगी और सबको मिलेगा। इस बीच तिहाड़ जेल में हलचल तेज हो गई है। दोषियों को कड़ी निगरानी में रखा गया है। हालांकि तिहाड़ जेल में चारों दोषियों को फांसी देने की तैयारी पूरी कर ली है। यहां एक चबूतरा बनाया गया है जहां चारों को एक साथ फांसी दी जा सकती है। फांसी के फंदे बुलवाए जा चुके हैं और जल्लाद का बंदोबस्त भी कर लिया गया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 5 जनवरी की शाम हुई हिंसा के कुछ देर बाद ही दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष आयशा घोष के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की थी। आयशा पर गार्ड के साथ मारपीट और सर्वर रूम में तोड़फोड़ के मामले दर्ज किए गए। ये दोनों ही घटनाएं कैंपस में तोड़फोड़ और मारपीट से 2 दिन पहले की थी। जेएनयू प्रशासन ने 3 जनवरी और 4 जनवरी को बसंत कुंज पुलिस स्टेशन को 2 शिकायतें दी, जिनमें जबरन सर्वर रूम में घुसने और सुरक्षा कर्मियों को उनकी ड्यूटी से रोकने और बदसलूकी का आरोप लगाया था। इसी शिकायत के आधार पर आयशी घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये दोनों एफआईआर महज 5 मिनट के अंदर दर्ज की गई। हॉस्टल फीस के खिलाफ जेएनयू में लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। इसी बीच रजिस्ट्रेशन का वक्त आ गया और जेएनयू प्रशासन ने 1 से 5 जनवरी के बीच नए सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला लिया।
लेफ्ट विंग से जुड़े छात्र संगठन इस फैसले का विरोध करते रहे और प्रशासन पर हॉस्टल फीस वापसी का दबाव बनाने लगे। इसी क्रम में छात्र यूनिवर्सिटी के सर्वर रूम तक पहुंच गए। जेएनयू प्रशासन ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है, एडमिन ब्लॉक के नजदीक सर्वर रूम में छात्र जबरन घुसे, वहां की बिजली सप्लाई काट दी और सर्वर को बंद कर दिया गया। इसके अलावा शिकायत में आरोप लगाया है कि जब गार्ड ने छात्रों को रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की गई। शिकायत में कई छात्रों के नाम के साथ जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष का भी नाम दिया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जेएनयू में रविवार शाम नकाबपोश लोगों ने हॉस्टल में घुसकर न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि छात्रों और टीचर्स को भी पीटा। इस हमले में आयशी घोष भी जख्मी हुई। बताया जा रहा है लेफ्ट विंग के छात्रों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कमलनाथ जी, आप तो गायों को बचाने की बात करते हैं, कहते हैं उनके लिए सारे इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन ये क्या आपके राज में आपके प्रशासन की अनदेखी के कारण एक झटके में भूख से तड़प तड़प के 72 गाय बैलों ने दम तोड़ दिया? मुख्यमंत्री जी, गायों को लेकर किए गए आपके वादे और दावे हवा हवाई साबित हो गए। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो रीवा के इस खबर पर गौर फरमाएं। बेसहारा गौवंश को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कमलनाथ सरकार भले ही बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हो, लेकिन अव्यवस्था और अराजकता के आलम में मवेशियों का जीवन संकट में है। भोपाल में मंत्रालय बल्लभ भवन से बैठकर सरकार आप कुछ भी कह लें, अपने वचन पूरा करने पर खुद अपनी पीठ थपथपा लें, मगर आपकी सरकार का जुबानी जमा खर्च जमीन पर आकर दम तोड़ देता है। आपके राज में गाय बैल अकाल ही काल के गाल में समा रहे हैं। कमलनाथ जी, आपकी सरकार ने रीवा में गायों का ऐसा संरक्षण किया कि वहां आए दिन मवेशियों की मौत हो रही है। ये दृश्य इतने विचलित करने वाले हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। त्योथर तहसील के बस्साहट गांव के कांजी हाउस में 72 गाय बैलों ने आपके वादों की तरह तड़फ तड़फ के दम तोड़ दिया है। ये इन गायों की नहीं, आपके लिजलिजे सिस्टम की मौत है। यहां बेसहारा मवेशियों के लिए बाड़े का निर्माण किया गया था। हाल ही में खराब हुए मौसम और हुई बारिश के चलते गायों के बाड़े में पानी भर गया। वहीं चारा भूसा न मिलने के कारण मवेशी भूख से बाड़े में दम तोड़ रहे थे। आपके प्रशासन को इन गायों की मौत की खबर तब लगी जब बाड़े में मृत मवेशियों से बदबू आने लगी। सरकार ने तो यहाँ देखा कि मतलब गौवंश इतने लोगों ने तो बाड़ा में मरे हुए हैं कि कम से कम 200-300 गोरु मरे होंगे जो उन्हें तो यहाँ 200 मूड़ा यहाँ तो 200 मूड़ा वहाँ इतने गोरु मर चुके हैं। अब ये बाड़ा बना के लोग गांव के लोग बाड़ा में बाड़ बेड़ दिए, इसीलिए जो उन्हें तो न जब पानी पाए न चारा पाए इसलिए मर गए गोरु। इसके लिए शासन प्रशासन में जो नियम निर्धारित होंगे और इसकी बात शासन के पास जाएगी और हमसे जो बन पड़ेगा हम सहयोग करेंगे। ऐसे लोगों के साथ में रहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब वो आए रहे, अपना उन्होंने बयान दिया, हमारी उनसे बात नहीं हो पाई है। मैं कलेक्टर साहब से इस संबंध में बात करूंगा और जैसे ही मुझे ये घटना मिली मैं भागा भाग चला आया, यहाँ बात नहीं हो पाई। मैं कलेक्टर साहब से इस संबंध में बात करके उसके बाद ही कुछ आपसे कुछ कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी, गाय की इतनी दुर्दशा तो पहले कभी नहीं हुई। आपसे लोगों ने जितनी उम्मीदें की थी वो एक साल में ही भूखी गायों की तरह टूटने लगी हैं। जाहिर है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में गायें भूख से मरेंगी तो लोग आपके सिस्टम से नाराज भी होंगे। एक साथ मवेशियों की इतनी तादाद में हुई मौत के बाद उन्हें दफनाने के लिए भी मशीनरी का सहारा लेना पड़ा। मवेशियों को गांव के ही एकांत स्थान में दफनाने और बाड़े में मवेशियों के मृत होने से पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मृत मवेशियों की दुर्गंध से फैलने वाली महामारी से लोगों को बचाया जाए
और गायों की मौत के जिम्मेदारों को भी सजा दी जाए। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में सरपंच सचिव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जिले के त्योहार तहसील बसाहट गांव में जिस प्रकार का कृत्य घटित हुआ यह बेहद निंदनीय है। जिस गाय को हमारा हिंदू समाज माता मानता है, जिस गाय के गोबर से गौरी गणेश बनाकर उनकी पूजा की जाती है, जिस गाय की पूंछ पकड़कर हिंदू समाज की बेतन्नी पार होती है, उस गौवंश के साथ अगर इस तरह का कृत्य हुआ है तो यह बेहद निंदनीय है। इस घटना में संलिप्त सभी व्यक्तियों के ऊपर और दंडात्मक कार्यवाही जिला प्रशासन से ऐसी हमने मांग की है कि की जाए और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह से हमने मांग की है। गौवंश की कब्रगाह बने काजी हाउस की दीवार तोड़कर जीवित मवेशियों और साथ ही मृत मवेशियों को बाहर निकाला गया। ये पिछले 15 दिन से तिल तिल कर मर रहे थे। इस मामले में ग्रामीण चुप्पी साधे हुए थे। जिम्मेदार भी काजी हाउस में झांकने तक नहीं पहुंचे। कीचड़ में सने हुए जानवरों को जेसीबी मशीन की मदद से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। दलदल बने गायों के इस बाड़े से 72 मवेशियों के शव को बाहर निकाला गया। एक विशेष जांच दल बनाकर उसकी तत्काल जांच करें और जो भी दोषी पाया जाता है उनके विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य जो अधिनियम है उनके प्रावधानों के अनुरूप तत्काल जो है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करें। और इसके साथ साथ सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में जितनी भी गौशालाएं हैं उन सबका आकस्मिक रूप से दल बनाकर निरीक्षण करें और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो ये सुनिश्चित करें और जो भी दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, ये गायों की मौत नहीं है, ये आपके वादों की मौत है। गायों की मौत की यह दास्तान आपके लिए एक सबक बने और आप इन बेजुबान पशुओं की रक्षा के लिए कुछ माकूल कदम उठा पाए तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए नागरिक संशोधन कानून पर कांग्रेस व वामपंथी भ्रम फैलाकर हिंसा भड़का रहे हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए चंद नेता देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जवाब भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर करेंगे। नागरिक संशोधन कानून को लेकर ग्वालियर में 11 जनवरी को भाजपा शहर के प्रबुद्ध वर्ग के साथ पैदल मार्च करेगी। इसके लिए आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए नागरिक संशोधन कानून पर कांग्रेस व वामपंथी भ्रम फैलाकर हिंसा भड़का रहे हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए चंद नेता देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता इन ताकतों को करारा जवाब देगी और उनके मंसूबों को भी पूरा नहीं होने देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेसी नेता व वामपंथी सोचते थे कि भाजपा कभी धारा 370 नहीं हटा पाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह ने इसे सहजता से हटा दिया। ब्लैक मनी को बाहर लाने के लिए कांग्रेस के प्रधानमंत्री को सुझाव दिया था, लेकिन वह केवल चवन्नी बंद करने का साहस दिखा पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो नोटबंदी का निर्णय देश हित में होने के कारण 1000 का नोट भी प्रचलन से बाहर कर दिया। आज नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, इस दृष्टि से जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उन पार्टी के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए योजना पूर्वक काम करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी महानगर की यह बैठक थी। मैं आज ग्वालियर था तो मैं इस बैठक में उपस्थित हुआ और मैं समझता हूँ ग्वालियर में इस विधेयक के समर्थन में बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है और जो 11 तारीख को कार्यक्रम किया जा रहा है नागरिकों का वह कार्यक्रम भी बहुत अच्छा और सफल कार्यक्रम होगा। तोमर ने कहा, आज नरेंद्र मोदी की गिनती विश्व के नेताओं में होती है और भारत की विश्व भर में धाक है। इसी से कांग्रेसी तथाकथित बुद्धिजीवी घबराए हुए हैं और नागरिक संशोधन कानून पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर हिंसा भड़का रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि पैदल मार्च पार्टी के विस्तार का कार्यक्रम नहीं है और ना ही पार्टी को सक्रिय करने का कार्यक्रम है। यह भारतीय ताकत के प्रगतिकरण का कार्यक्रम है। इसमें एक एक कार्यकर्ता अपने सामर्थ्य के अनुसार आहुति दे।
मुंगावली में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति के अनावरण के मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार का दर्द मंत्रियों की जुबान पर आ गया। कमलनाथ सरकार में सिंधिया खेमे के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। मौका था पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण का, जहां सिंधिया समर्थक मंत्रियों की जुबान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार का दर्द मंच के सामने आ गया। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एवं श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मुंगावली नगर परिषद के सामने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण किया। इसके बाद जब मंत्री जनता को संबोधित कर रहे थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार का मामला उनके जहन में था। मंत्रियों ने कहा, सिंधिया की पहचान कोई आम नहीं है, यह तो उनके पूर्वजों के द्वारा दी गई पहचान है। इन मंत्रियों ने कहा, चुनाव तो बड़े बड़े नेता भी हार जाते हैं। सम्मान की कमी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती आप पर हुई, हम पर हुई, या किन पर हुई है, गलती हुई। मैं इसलिए कहता हूं, आज वो कहने का समय नहीं है, लेकिन ये बात अपनों के बीच ही कही जाती है, इसलिए मुझे आज ये बात कहना पड़ी। लेकिन आज मैं धन्यवाद दूंगा नगर पालिका के लिए, पूरे पार्षद नगरपालिका अध्यक्ष के लिए, कि जिन्होंने महाराज कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी की इस सुंदर मूर्ति का अनावरण जो आज यहाँ हो रहा है। श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भाजपा सांसद केपी यादव पर निशाना साधा और कहा, हारना नैतिकता पर दाग नहीं होता, मगर जो गुलाम जीत कराते हैं और जनता को ठगते हैं, उनका कद उस महाराज के सामने इतना सा भी नहीं होता जो बात करते हैं। इंदिरा जी भी चुनाव हारी, अटल बिहारी जी भी चुनाव हारे, मगर हारना नैतिकता पे दाग नहीं होता, मगर जो गुलाम जीत के आते हैं और जनता को ठगते हैं, उनका कद उस महाराज के सामने इतना सा भी नहीं होता। सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कहा कि बीजेपी और आरएसएस की संस्कृति हिंसा फैलाने की है। दो मंत्रियों के ओएसडी के हनी ट्रैप में फंसने के मामले में गोविंद सिंह ने कहा, लोकराज में लोकलाज भी होनी चाहिए। दोनों ओएसडी का मामला जैसे ही पता चला, मैंने तुरंत उन्हें हटाने के आदेश दिए थे। ऐसे लोगों का सार्वजनिक तौर पर जुलूस निकालना चाहिए। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बड़ा बयान दिया है। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की संस्कृति हिंसा फैलाने की है, उन्हें बचपन से ही इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है। गोविंद सिंह ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय अपने गिरेवान में झांके, वे पहले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के यहाँ पर नौकरी करते थे, इसीलिए वे बताएं उनके घर में कौन सा सोने का पेड़ लगा था जिससे इतनी सारी करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठा हो गई। कैलाश वर्जी जी को ये अपने पहले चेहरा देखना चाहिए गिरेवान में झांके। वो कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता के यहाँ नौकरी करते थे और भाषण दे रहा है कि जिनके पास साइकिलें नहीं थी वो गाड़ियों में घूम रहे हैं। आप, मैं कैलाश विजयवर्गीय से पूछना चाहता हूँ कि वो पहले ये बताएं कि उन्हें उनके घर में ऐसी कौन सा सोने का पेड़ लगा था कि आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। गोविंद सिंह ने हाल में दो मंत्रियों के ओएसडी के हनी ट्रैप में फंसने के मामले में कहा कि लोकराज में लोकलाज भी होनी चाहिए। दो ओएसडी का मामला जैसे ही पता चला, मैंने तुरंत उन्हें मुख्य सचिव को हटाने के आदेश दे दिए थे। ऐसे लोगों का सार्वजनिक तौर पर जुलूस निकालना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि कोर्ट को भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लोक राज में लोक लाज भी होना चाहिए। और जब हमें इस बात की जानकारी मिली और उस मीडिया पे समाचार पत्रों में किस तरह के दो हमारे माननीय मंत्रियों के यहाँ ओएसडी बनके काम कर रहे हैं, मैंने तत्काल अपने प्रमुख सचिव को आदेश दिए और मैंने 3 दिन पहले फाइल पर दस्तखत करके आए ऑर्डर निकलवा दिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई न्यायालय को भी करना चाहिए, क्योंकि मामला न्यायालय में है। और मेरा तो कहना है कि न्यायालय से भी मेरी प्रार्थना है कि इन लोगों को सार्वजनिक जुलूस निकालना चाहिए। वहीं जेएनयू में उपद्रव के मामले में गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, देश की संस्थाओं पर हमला कर रही है, हिंसा फैला रही है। बीजेपी हिटलर के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी बनकर रह गई है। यह सब पीएम नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे हो रहा है, उन्हें इस मसले पर गंभीरता से सोचना चाहिए।
रायपुर नगर निगम में एक बार फिर महापौर पद पर कांग्रेस ने अपना कब्जा बरकरार रखा। चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार एजाज डेभर ने भाजपा के उम्मीदवार मृत्युंजय दुबे को 12 मतों से पराजित किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम में एक बार फिर महापौर पद पर कांग्रेस ने अपना वर्चस्व कायम रखा है। पूर्व महापौर प्रमोद दुबे का नाम भी महापौर पद के लिए चर्चा में था, मगर कांग्रेस ने उन्हें इस बार मौका नहीं दिया और राजधानी में सर्वाधिक मतों से जीतकर पार्षद बने एजाज डेबर को अंतिम क्षणों में उम्मीदवार घोषित किया गया। पार्षदों के चुनाव में 29 पार्षद भाजपा के जीत कर आए थे और 34 पार्षद कांग्रेस के विजय हुए थे। 70 पार्षद वाले नगर निगम रायपुर में महापौर पद पर बहुमत के लिए 36 मतों की जरूरत थी, जिनमें 7 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस उम्मीदवार एजाज डेबर का समर्थन कर दिया। भाजपा के लिए यह अच्छा रहा कि वह अपने पार्षदों का मत हासिल करने में कामयाब रही, क्योंकि भाजपा की ओर से क्रॉस वोटिंग होने की संभावना जताई जा रही थी। महापौर पद के लिए कांग्रेस को मिले वोटों से साफ हो गया है कि अब सभापति भी कांग्रेस का ही होगा। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिंगरौली में हिंदुस्तान मोर्चा और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सीए के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली और एक सभा कर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सभा में कहा गया कि कांग्रेस और अन्य दल इस मसले पर समाज में भ्रम फैला रहे हैं। सीए के समर्थन में भारतीय जनता युवा मोर्चा और हिंदुस्तान मंच ने तिरंगा यात्रा निकाली। सीए के समर्थन में कलेक्ट्रेट पहुंचे सभी नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, केंद्र की सरकार अच्छा कार्य कर रही है, उसको बदनाम करने के लिए सीए का मुद्दा जनता के बीच कांग्रेस द्वारा गलत ढंग से उछाला जा रहा है, जनता इनके बहकावे में न आए। हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और जो कलेक्टर महोदय माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जो यहाँ पर समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से हो या विभिन्न तरह के अराजक तत्वों के द्वारा देश विरोधी जो नारे लगाए जाते हैं उस पर लगाम लगनी चाहिए, ऐसा हम सबों ने ज्ञापन दिया। किसानों के सहारे किसी ने सत्ता गवाई तो किसानों के सहारे कोई सत्ता पर काबिज हुआ। इस बीच किसान का कोई उद्धार नहीं हुआ, किसान वही जस का तस हालात में है। मगर अब सत्ता गवाने के बाद भाजपा नींद से जाग गई है। अब किसानों के सहारे भाजपा कमलनाथ सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। भाजपा कमलनाथ सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। ये मध्य प्रदेश के गाडरवारा की तस्वीरें हैं, जहां भाजपा की ओर से एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है। भाजपा का आरोप है कि कमलनाथ सरकार मनमाने तरीके से कार्य कर रही है, किसानों की सुध नहीं ले रही। अब पूर्व विधायक कमलनाथ सरकार से किसानों के लिए मांग कर रहे हैं। मूल रूप से आज का ज्ञापन हमारा किसानों पर केंद्र पर एक धान खरीदी माने लेट शुरू हुई और उसमें परिवहन का टेंडर लेट हुआ तो वो पानी दो बार गिरा। मैं 2-3 दिन पहले गया तो मैंने जो सेंटरों की हालत देखी मेरी आंखों में आंसू आए। किसानों को बहुत दुर्दशा है, गेहूँ धान भी नहीं गया और किसानों को धान वापस किया जा रहा है और जो भी सरकार का खरीदा है वो भी बीन गया। सरकार का नुकसान अलग, किसानों का नुकसान अलग। और नवम्बर में हम लोगों के ज़माने में हमारी सरकार में नवम्बर में खरीदी पूरी हो जाती है, लेकिन अब जनवरी लगने को आई खरीदी पूरी नहीं हुई है तो किसानों को एक एक दाना खरीदा जाए और जो खराब हुआ वो धान भी खरीदी जाए। हम लोगों की मांग। भाजपा नेता वर्तमान की कमलनाथ सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, ना तो किसानों को बोनस मिल रहा है और ना ही विवाह योजना का पैसा मिल रहा है, यह सरकार पूरी तरह से नाकामयाब है। यही मांग है कुंभकर्णी नींद में जो सरकार सो रही है कि कोई नई व्यवस्था बना के किया जाए। पिछले साल का गेहूं का भी पैसा नहीं दिया कि बच्चियों की शादी जीवन में एक ही बार होती है, पैसा एक ही बार में दिया जाए। हंसी के पात्र बनाकर रखा है ऐसी सरकार जिसको हटाने के लिए सब तैयार है और किसानों की समस्या पर अभी विचार नहीं किया गया, समस्या हल नहीं की गई तो और उग्र आंदोलन किया जाए।
भाजपा नेत्री साधना स्थापक का कहना है कि बारिश से किसान की फसल बर्बाद हुई, अब किसान उस फसल का क्या करे, कहां लेकर जाए। प्रशासन को चेताते हुए भाजपा नेत्री ने कहा कि अगर किसानों के साथ लापरवाही बढ़ती गई तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसानों के प्रति जो प्रशासनिक लापरवाही हो रही है, कार्यकर्ता सुन ले, और धान खरीदी है लेकिन मौसम जो पानी गिरा है उसमें पूरी धान भीग रही है, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अपनी धान वापस ले जाओ। किसान लगातार वैसे ही धान खरीदी बहुत देर से शुरू हुई, उसके बाद धान खरीदी का पूरा सिस्टम इनका खराब है, पैसा नहीं मिल रहा है और धान गीली हो रही है मौसम में, तो इसके रख रखाव के लिए दूसरा यूरिया नहीं मिल रहा है लोगों को समय पर, और धान का पैसा भी समय पर नहीं आ रहा है, और प्राकृतिक आपदा का जो अभी ओला गिरा था उसका भी अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है। प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही आज तक हम लोगों ने देखी नहीं है। दुष्कर्म की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, घटिया मानसिकता से इस कृत को करने वाले की उम्र भी मायने नहीं रखती, या यूं कहें कि शिक्षा की कमी या संस्कारों की कमी के कारण एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक नाबालिग लड़के ने एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। सिंगरौली जिले के मोरबा में एक 14 साल के नाबालिग लड़के ने 13 साल की नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। ग्रामीण अंचल में शिक्षा की कमी और जागरूकता के अभाव में बालिकाओं से शोषण का मामला सामने आता रहता है। जानकारी अनुसार नाबालिग लड़की की जगमोरबा निवासी एक युवक से दोस्ती हुई थी। लड़के ने धोखे से लड़की को अपने घर बुलाकर उसे बंधक बना लिया और 24 घंटे में कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान लड़की के परिजन अपनी बच्ची को खोजते हुए थाने जा पहुंचे। किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर किशोरी अपने परिजनों के पास गई और आपबीती बताई, तो परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की। पीड़िता की शिकायत पर मारपीट, धमकाने और बलात्कार करने जैसी कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। इस बीच आरोपी युवक भागने की फिराक में था, जिसे रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी युवक को पास्को एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया है। वो भी 306 से रिलेटेड मैटर है, दोनों नाबालिग थे, उसमें आरोपी राउंडअप किया है और वैधानिक कार्रवाई की है। छतरपुर में बारिश से गीली हुई यूरिया की जांच का काम कृषि विभाग ने शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है अब यह गीला यूरिया किसानों को बांटा जाएगा। छतरपुर के हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर बारिश की वजह से गीले हुए यूरिया की जांच करने कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गीले यूरिया के सैंपल भरे। 3 दिन पूर्व रेलवे के माध्यम से 2200 मैट्रिक टन यूरिया आया था, लेकिन लापरवाही की वजह से यह यूरिया बारिश में गीला हो गया। इसी लापरवाही की जांच कृषि विभाग की टीम ने की। कृषि विभाग के अधिकारियों का मानना है कि यदि यूरिया के सैंपल में कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सैंपल की रिपोर्ट आने के पूर्व जरूरत से हिसाब से यदि आवश्यकता पड़ती है तो यही गीला यूरिया किसानों को बांटा जाएगा। सूचना मिली थी हमें, आपके माध्यम से मिली थी सूचना में कि इसमें पानी पड़ गया, गीला हो गया है, उससे भी हो सकता है। और व्यापारी ने बताया कि हमने उसको ढकवा दिया है, उसको बरसा भी लिया था, ढका हुआ दिखता था, लेकिन हमने सोची कि अगर चूंकि इसमें कोई क्षति हुई है पानी से, हमने उसको सैंपल लेने के लिए हर बार बुलाया हूँ, लेकिन इसकी प्रोसेस ऐसी है कि ये इस पर रोक नहीं ला सकते, अपने बिक्री पर रोक नहीं ला सकते, क्योंकि किसान की आवश्यकता होती है। सिंगरौली पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस लुटेरे पर कई थानों में मामले दर्ज थे, इसका एक साथी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। चटका बस्ती स्थित अंग्रेजी शराब दुकान पर कट्टे के नोक पर 1.5 लाख रुपए लूटने वाले 2 लुटेरों में एक को मोरबा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पंकज साहू नाम के लुटेरे के पास से बाइक व कट्टा और कारतूस जब्त किए गए हैं। घटना में शामिल दूसरे लुटेरे पवन तिवारी की तलाश जारी है। आरोपी पवन इतना शातिर अपराधी है जिसके खिलाफ कई थानों में हत्या का प्रयास, लूट, डकैती के गंभीर मामले दर्ज है। लूट का मामला है, उसमें हमने विधि सम्मत कार्रवाई की गई है, मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी साक्ष्य आते हैं जिनके विरुद्ध में आते हैं उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। टीकमगढ़ में वैश्य महासभा ने आंगनबाड़ियों में सरकार के अंडा वितरण का विरोध किया है। महासभा ने इसे भारतीय सनातन संस्कृति के खिलाफ बताया और मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा और इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है।
टीकमगढ़ में वैश्य महासभा ने राजेंद्र पार्क से एक मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया, जिसमें अप्रैल महीने से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडा वितरित किए जाने का विरोध किया गया है। महासभा ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया है, आंगनबाड़ियों में नौनिहालों को अंडा वितरण का कार्यक्रम भारतीय सनातन संस्कृति के खिलाफ है। इससे लोगों की सामाजिक और धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। लोगों ने मांसाहार को लेकर गलत धारणा पैदा होती है। पिछली शिवराज सरकार ने भी आंगनबाड़ियों में अंडा वितरित करने की योजना बनाई थी, लेकिन महासभा के विरोध फलस्वरूप सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा था। ऐसी ही कामना हम कमलनाथ सरकार से करते हैं कि सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर अंडा वितरित कार्यक्रम को स्थगित करे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी में जो अंडा वितरण का कार्यक्रम 1 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोगों ने यह प्रदर्शन जारी किया है। यह हमारी भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सभी जन अहिंसक प्रेमियों से यह आग्रह करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसका साथ दें। यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। अंडा का अल्टरनेट गाय का दूध और सोयाबीन प्रोटीन मूंगफली ये सब प्रोटीन कैल्शियम मिनरल्स सब मिलते हैं इसके बदले में, इसका हम विरोध करते हैं। और वैश्य फेडरेशन और महिला परिषद की द्वारा मैं सभी लोगों से आग्रह करती हूं कि इसका इस विरोध में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा समर्थन दें। छतरपुर के मोहबा रोड पर एक बुजुर्ग की हत्या कुछ बदमाशों ने कर दी। हत्या से पहले बुजुर्ग का इन बदमाशों के साथ संघर्ष भी हुआ। पुलिस इस मामले की जांच कर अज्ञात हत्यारों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। सरवई थाना के महोबा रोड पर अपने घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग के सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। 54 वर्षीय कामता प्रसाद गुप्ता के सिर पर अज्ञात हत्यारों ने वार कर उन्हें गंभीर हालत में घायल करके छोड़ दिया। 100 डायल को जैसे ही इस घटना की जानकारी लगी तो घायल अवस्था में कामता प्रसाद गुप्ता को नजदीकी उत्तर प्रदेश के बांदा जिला अस्पताल में भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटनास्थल पर जगह जगह मृतक का खून पड़ा था, जिसे देखकर ऐसा लगा था कि जैसे मृतक ने हत्यारों से संघर्ष किया हो। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। थाना सर्वे क्षेत्र में आज अर्ली मॉर्निंग की घटना है। इसमें 54 वर्षीय है कामता प्रसाद गुप्ता जी, उनकी मर्डर की घटना हुई है। उसमें घर के सामने सो रहे थे, उसमें किसी ने इनके सिर पर वार किए हैं, उससे मृत्यु हुई है। पुलिस मौके पर है और जो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लाखों साल पहले से भारतीय सभ्यता ज्ञान विज्ञान और फैशन का पुरोधा रही है। लोग जिसे अब आधुनिक बता रहे हैं, वह भारत की संस्कृति का आदिकाल से हिस्सा रहा है। भारतीय 900 साल पहले स्टाइलिश चप्पले पहनते थे। भारतीय लोगों के प्राचीन डिजाइन अब कई कंपनियां बेच रही हैं। कई बार अज्ञानता में लोगों को यह कहते हुए सुनते होंगे कि आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, हम नए फैशन को अपनाते हैं। मगर सच ये है कि आज भी हम प्राचीन काल के लोगों से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आज भी हम वैसे ही सैंडल और चप्पल पहन रहे हैं जो 900 साल पहले भारतीय पहना करते थे। ट्विटर पर इस बारे में जोर शोर से चर्चा है। ट्विटर पर अपनी बात को साबित करने के लिए बी गोपालन ने सैकड़ों साल पुराने एक भारतीय मंदिर की तस्वीर भी साझा की है। आप भी इन तस्वीरों को देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। इसमें साफ देखा जा सकता है कि आज के समय में हम बड़े ब्रांड्स की जो चप्पल पहनते हैं, उसका डिजाइन वैसा ही है जैसा प्राचीन भारतीय पहना करते थे। ट्विटर यूजर वी गोपालन ने तमिलनाडु के एक प्राचीन मंदिर की तस्वीरों को शेयर किया है। इसमें देखा जा सकता है कि 900 साल पुरानी मूर्तियों में भारतीय जैसी सैंडल पहनते थे, वैसे ही आज की कई कंपनियां बनाती हैं। इन तस्वीरों के साथ गोपालन ने लिखा है कि सदियों पहले प्राचीन भारतीय पुरुष बहुत फैशनेबल थे। वे 1000 साल पहले से सैंडल पहन रहे हैं, वही मॉडल जो बाटा इंडिया आज बेचता है। इस ट्वीट पर कई लोगों ने दूसरे भारतीय प्राचीन मंदिरों की तस्वीरों को भी शेयर किया है और लिखा है कि प्राचीन काल में भारतीय महिलाएं भी हील वाली सैंडल पहनती थी। एक ट्विटर यूजर ने कांची के काली सनाथर मंदिर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि 1400 साल पहले महिलाएं हील्स पहनती थी। ये तस्वीरें हमारे
गौरवशाली इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। तमाम सभ्यताएं जब जन्म ले भी नहीं पाई थी, तब द्वापर और त्रेता में राम और कृष्ण के समय हमारे सेनानी जूते चप्पल या सिर्फ रथ का ही इस्तेमाल नहीं करते थे। वे आज जैसे आधुनिक समाज में थे, उनके पास अग्नि अस्त्र यानी मिसाइलें और शानदार एविएशन सिस्टम था। हवाई जहाज का दुनिया में सबसे पहला उदाहरण राम के जमाने से ही सामने आया था। तब रावण और उसके बाद राम और फिर विभीषण ने पुष्पक विमान का उपयोग किया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।